अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबका वेलकम हमारे चैनल फैमिली फूड हाउस पे। तो ये व्लॉग जो है मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था जब मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, लेकिन इसको अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। कुछ मसरूफियत की वजह से जो है मैं इसको जल्दी अपलोड नहीं कर सकी। तो यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर जो है वो सुबह का नाश्ता बना रही है, और ये सुबह सुबह का जो है टाइम है तकरीबन 8 बजे का टाइम है, और वो जल्दी नाश्ता बनाती है क्योंकि उनके बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। तो फिर गैस का भी जो है मसला हो जाता है बाद में, फिर गैस बहुत स्लो हो जाती है तो इसलिए वो सुबह ही नाश्ता बनाती है। तो यहाँ पर जो है वो पराठे बना रही है और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये पराठे। और मुझे जो है ये पराठे उनके हाथ के बहुत ही ज़्यादा जो है पसंद है, बहुत क्रिस्पी होते हैं ये पराठे। तो बस पराठा जो है वो रेडी होने वाला है, तो अभी जो है हम लोग नाश्ता करेंगे। तो ये जो है मेरा फेवरेट नाश्ता है, और नाश्ता करने के बाद जो है दोनों बच्चे जो है वो मटर छील रहे हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है मटर छीलना। तो मैं घर में भी उनको दे देती थी, ये मटर छील लेते थे, और यहाँ भी जो है वो दोनों बैठ के मटर छील रहे हैं। तो यहाँ नीचे जो है ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि घर जो है इनका बंद है, तो इस वजह से जो है ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बस ये मटर छीलने के बाद जो है फिर हम लोग गए थे ऊपर छत पे, क्योंकि ऊपर छत पे काफ़ी अच्छी धूप लग रही थी, और नमाज़ भी जो है मैंने वहीं पे अदा कर ली। बच्चे भी जो है वो भी छत पे खेल रहे थे धूप में, तो बस पे जो है हम काफ़ी देर तक छत पे बैठे रहे। और जब नीचे आए तो खाना जो है वो तैयार हो चुका था दोपहर का, और फ्राइड राइस बने थे, मेरी भांजी ने बनाए थे, बहुत ही ये भी बने थे, साथ रायता बना था। और मैं काफ़ी दिन जो है वहाँ रुकी थी, तो जब मैं घर आई तो यहाँ पे गैस का जो है वो इशू था, और गैस का पाइप जो है उसमें कुछ मसला था जिसकी वजह से हमारे पूरे एरिया में गैस जो है वो नहीं आ रही थी। तो इसकी वजह से बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि बच्चों के साथ जो है बहुत मुश्किल होता है लकड़ी वाले चूल्हे पे खाना बनाना या बच्चों का दूध वगैरह, तो बहुत मुश्किल होता है। तो अभी जो है मैं रात का खाना बना रही हूँ, और मैंने जो है लकड़ी वाला चूल्हा जो है वो जलाया है, तो अब जो है मैं इस पे खाना बनाऊंगी। मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और साथ ही जो है मैं रोटियां भी बना लूँगी। तो चूल्हा एक है और एक चूल्हे पे फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है बच्चों के लिए, दूध और रोटियां सालन, तो इस वजह से काफ़ी जो है टाइम लग जाता है। अब देखते हैं कि ये मसला कब हल होता है। तो रोटियां जो है वो बन रही है, और तवे के ऊपर ही मैं रोटी को सेक रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को जो है मिक्स सब्ज़ी पसंद नहीं है, वो ज़्यादा सब्ज़ियाँ शौक से नहीं खाते, तो वो अपने लिए चिकन टिक्का बना रहे हैं कोयलों पे। तो बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।